गुनाह उसकी जिंदगी में आता है, और जब गुनाह जिंदगी में आता है तो मौत आती है। और गुनाह कैसे आता है? शरीयत की अधूरी से, खुदा के हुक्म की नाफरमानी से। लेकिन जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म इसलिए नहीं है क्योंकि यीशु मसीह खुद चलती फिरती शरीयत है। यीशु मसीह का उठना शरीयत है, यीशु मसीह का बोलना शरीयत है। और जब आप यीशु मसीह के इन दो हुक्मों पर अमल कर लेते हैं, आप तमाम शरीयत पर अमल कर लेते हैं। और वो हुक्म कौन से हैं? पहला हुक्म है खुदावंद अपने खुदा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी अकल और अपने पूरे दिल से मोहब्बत रख। और दूसरा हुक्म क्या है? अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। यीशु मसीह की शरीयत मोहब्बत की शरीयत है। और इन दो हुक्मों पर जब आप अमल करते हैं तो आप शरीयत को पूरा कर लेते हैं, और जब शरीयत पूरी होगी तो फिर गुनाह रहे नहीं। जब शरीयत पूरी होगी तो गुनाह रहे नहीं, और जब गुनाह नहीं रहा तो मौत भी नहीं रही, और जब मौत नहीं रही तो फिर बचा क्या? जब मौत नहीं है तो मौत का ऑपोजिट क्या है? तो सिर्फ यीशु जिंदगी नहीं देता, यीशु मसीह आपको हमेशा की जिंदगी देता है, यीशु मसीह आपको कसरत की जिंदगी देता है। कलाम खुदा में लिखा है मौत फतह का लुकमा हो गई। मौत क्या हुई? फतह का लुकमा हो गई। जिस तरह आपको पता हम दुवाला लेते हैं, जिस तरह हम एक बुरकी लगाते हैं, हम एक एक लुकमा लेते हैं, वैसे यीशु मसीह ने मौत को चखा और मौत पर फतह को हासिल किया। और वो फतह उसने 2000 साल पेशतर आपको और मुझे दे दी है। इसे कलाम खुदा में लिखा है मुबारक है वो मुर्दे जो खुदावंद में सोते हैं, क्योंकि वो अपनी मुसीबतों से आराम पाते हैं। और आप खुदावंद में अगर मरते हैं तो आप मरे नहीं, आप सोए, और जब आप सोए तो मसीह के आने पर आप दोबारा जिंदा हो जाएंगे। तो इसलिए मौत का डर नहीं रहा, इसलिए मौत पर आपने फतह पा ली है, क्योंकि यीशु ने फतह आपको दी है।